हाय फ्रेंड्स इज इज़ आई वेलकम टू वॉक टॉक सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ मेकअप लुक जो कि मैंने बहुत पहले शूट किया था बट मैं उसको एडिट करके नहीं अपलोड कर पाई सो so, आज मैं वो वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र तो ये मैं बायोटे का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइज एंड विंटर सीजन के लिए तो बेस्ट है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो इसके बाद मैं ये प्रैमर यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ये इनसाइट का नया प्रैमर यूज़ बाय किया था तो मैंने सोचा इसके साथ इसका ट्राई ऑन भी कर लेते हैं तो ये भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है बहुत ही अच्छा है बजट फ्रेंडली है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से मैं यूज करी हूँ यहाँ पर मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड मीडियम टू फुल कवरेज ये देता है मुझे बहुत ही कम फाउंडेशन सूट होते हैं तो अगर आप मुझे जैसे फिटमी फाउंडेशन भी नहीं सूट करता है तो अगर आपको नहीं सूट uh, किया फिटमी फाउंडेशन तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है थोड़ा सा ही अमाउंट में ये बहुत अच्छा कवरेज देता है आज के वीडियो में अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने करेक्टर नहीं यूज़ किया है बिकॉज सुपर स्टे फाउंडेशन बहुत अच्छा कवरेज देता है तो मैंने सोचा आज इस बिना करेक्टर के इसको यूज करके देखते हैं तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे मार्क्स बहुत हाइड हो गए हैं कोई भी मार्क्स विजिबल नहीं हो रहा है और बहुत ही अच्छा कवरेज दे रहा है ये इसके बाद मैं यूज करी हूँ इनसाइड गेट का एल्यूमिनेटर ये बहुत अच्छा एल्यूमिनेटर है गाइज एंड इसका प्राइस भी बहुत कम है 300 के अराउंड है तो बजट फ्रेंडली भी है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये इन साइड का पहले मैंने सोचा इसको फाउंडेशन के साथ मिक्स करके मैं यूज़ करूँ बट मुझे लगा कि शायद मैं ऊपर से लगाऊंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तो अगर मैं इसको गलत तरीके से यूज़ करी हूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसे यूज़ ऐसे ही करना है या किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं आगे मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर अपने बेस को पूरा सेट करने के लिए तो यहाँ मैंने के का लूज़ पाउडर लिया ये बहुत ही अच्छा कवरेज देता है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद मेरा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है तो अब मैं उसे मेकअप फिक्स से फ़िक्स कर लूँगी जिससे कि बिल्कुल भी मेरा बेस ख़राब ना हो मैं कोई भी मेकअप इसके बाद करूँ मेकअप के बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ करूंगी ये मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया है तो बहुत ही अच्छा कवरेज मीन्स मीडियम कवरेज ये आपको देता है बट इसमें शेड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड ये बजट फ्रेंडली है अराउंड टू टू हंड्रेड के आसपास ये आपको मिल जाएगा पर्पल एंड नायका पे तो आप अगर चाहें तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं कंसीलर यूज़ करने के बाद अब मैं उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए मेरी आईज पे और मैं इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करूँगी पसीला को ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद मैं उसे भी लूज पाउडर से सेट कर लूँगी एंड आ, अंडर आई पे मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मैं अब नेक्स्ट आई शेडो जब अप्लाई करूँ तो वो अगर मेरे फेस मेकअप पर गिरे तो मैं उसे ईजिली क्लीन कर सकूँ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने आईब्रो को शेप देंगे तो यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो किट यूज़ करी बहुत ही अच्छा है और अगर आप अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिए आपकी आईब्रोज बहुत अच्छे शेप अप होती है इससे और इसमें आपको तीन शेड्स मिलते हैं वन इज़ थोड़ा सा क्रीमी आप अगर अपना बनाना चाहते हैं आईब्रोज़ को और वाइट कलर का और उसके साथ आपको ब्लैक शेड एंड ब्राउन लाइट ब्राउन शेड मिलते हैं तो आप जो है ईज़िली आपका जो भी आईब्रो का शेड uh, है वो उस, उससे आप मैच करके यूज कर सकते हैं इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ आई शेडो बिल्कुल आप मेरे हर वीडियो में यही आई शेडो पैलेट देखते हैं मेरे पास ले देकर यही एक आई शेडो पैलेट है सो मैं यही यूज करती हूँ आज सबसे पहले मैंने पिक किया है ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड जो कि मैं अपने आई मेकअप के बेस के लिए यूज कर रही हूं तो मैं इसको अपने पूरी आई लिट पर अपलाई कर लूंगी और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड उसके बाद मैं लूंगी ये रेड कलर का शेड क्योंकि मेरी साड़ी का कलर भी रेड है तो मैं इसे भी अपनी पूरी आई लिट पर अपलाई कर लूंगी तो इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी उसके बाद मैं थोड़ा सा स्मोकी लुक देना चाहती थी बहुत ही हल्का सा तो मैंने थोड़ा सा ब्लैक शेड लिया है थोड़ा सा मैं इसे अपने आउटर वी पर अप्प्लाई करके थोड़ा सा इसे ब्लेंड करूंगी हल्का सा जिससे कि थोड़ा स्मोकी लुक आए यहाँ मेरा आई मेकअप डन हो गया है एंड मैं थोड़ा सा रेड कलर का शेड लेकर के अपने लोअर लैश पर भी अप्लाई कर लूंगी जिससे कि बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा आपने ट्राई नहीं किया अभी तक ऐसा उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई तो यहाँ मैंने मेबलिन का आई लैनर पिक किया है ये बहुत ही अच्छा आई है एंड मैं बहुत ही पतला स्ट्रोक्स लगाऊंगी बहुत ज़्यादा मोटा स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए था एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी काजल तो ये के का काजल ये बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं केके के, आई प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं सो मैं इसे अपने हाफ लोअर लैश पे ही अप्लाई करूंगी उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये शिवाना का पैलेट जिसमें आपको ब्लश कॉन्ट्रोल एंड हाईलाइटर तीनों ही मिलते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉन्ट्रोल कर लूँगी अपने फेस को तो कॉन्ट्रो करना बहुत ज़रूरी होता है आपके फेस को कॉन्टोर के थ्रू आप अपने फेस को पतला कर सकते हैं डबल चिन को हाइड कर सकते हैं ब्रॉड फोर हेड को आप छोटा दिखा सकते हैं तो बहुत ही यूजफुल होता है कॉन्टोर करना एंड जब आप फेस टेप मेकअप करो या फिर आप कोई फेस uh, uh, किसी ओकेजन का मेकअप करो पार्टी मेकअप करो तो आप डिफिन ज़रूर आप ट्राई किया करो कॉन्टोर करना ओके okay, सो uh, so मैं यहाँ पर अपनी नोज को शेप uh, दे रही हूँ कॉन्टोरिंग contour, के थ्रू उसके बाद मैं यूज़ करूंगी ब्लश uh, सो so, इसका ब्लश भी बहुत अच्छा है बहुत ही पिगमेंटेड है तो अगर आपने ये पैलेट नहीं यूज़ किया है अभी तक या अभी आप, आप कोई पैलेट यूज़ करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत ही अच्छा है और आपको इसमें तीनों चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर हाईलाइटर तो इसका हाई भी बहुत पिगमेंटेड है हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अपने इनर आई कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है स्पेशली जब आप साड़ी वडी पहन रहे हो तो जरूर आप इसको ट्राई कीजिएगा उसके बाद मैं अपने पूरे मेकअप को लूज पाउडर से सेट से कर लूँगी और उसके बाद मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पर जिससे कि मेरा मेकअप सेट रहे सो so, अब मैं साड़ी पहन कर आती हूँ सो so, साड़ी पहन कर आने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो मस्कारा लगाया ही नहीं तो मैंने फिर जल्दी से मस्कारा लगाया सो so, यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन का ही मस्कारा तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है मेबलिन के सारे ही मस्कारा जितना भी इन्होंने वेरियंट निकाले हैं सारे ही बहुत अच्छे हैं आप जो चाहें आप ट्राई कर सकते हैं सो so, अब मैं अप्लाई करूंगी लेक में की नाइन टू फाइव लिपस्टिक ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है गई इस अगर आप टोटल मैट लुक चाहते हो लिपस्टिक में तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना सो so, um, लिपस्टिक यूज करने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक सो so, बहुत ही सिंपल मेकअप ट्राई किया था गईस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में टेक केयर बाय बाय